सो हे गाइस, कैसे हो यार आप लोग। आज का न्यू सोलो वर्सेस स्कॉटी गेम प्ले वीडियो के साथ गाइस यार आ चुका हूँ जॉर्ज ओपल। गाइस इस गेम प्ले में 22 किल्स करने वाले हैं। और गाइस ये गेम प्ले सच बताऊँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि गाइस बीच बीच में बस देखते आना मतलब पिंग कितना ज़्यादा हाई हो जाता है। अगर फाइट के बीच में हो जाता ना तो भाई गलत स्कैम हो जाता, लेकिन जब बस देखते आना गेम प्ले में क्या कुछ हुआ है। फिलहाल भाई यहाँ पे उतरने के साथ मुझे एकेएम मिल जाती है और सामने भी एकेएम पड़ी हुई थी जो कि मैं ले लूँगा। लेकिन मुझे ये बताओ, इस बंदे को यहाँ पे मैंने इतना डैमेज दिया फिर भी जाकर बंदा नॉक नहीं हुआ, तो जाते फिनिश करने हैं। और फिलहाल यहाँ पे मुझे बंदा दिख जाता है तो भाई नॉक कर देते हैं उसको। और बंदे ने कोई वेस्ट भी नहीं पहनी थी वैसे, बट पता नहीं क्या गलिस था तो भाई नॉक कर देते इस बंदे को और जाते फिनिश करने हैं। फिलहाल यार इस बंदे को मैं जैसे फिनिश कर रहा होता हूँ मुझे ऐसी फुटस्टेप आ रही थी कि वेयर हाउस में भाई कुछ बंदे आ गए हैं, और ये कुछ बंदे नहीं थे बहुत सारे बंदे थे, बस देखते जाना। फिलहाल सामने 6x पड़ा हुआ था, एमओ पड़ा हुआ था, तो भाई ले लेते हैं उसको और बस देखते जाओ सामने। अब यार ये बंदा यहाँ पे किसी को फायर करता है तो जाता हूँ फिनिश करना, लेकिन तभी ये बंदा दिखता है तो भाई को नॉक कर देते हैं। और सामने भाई बहुत सारे बंदे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ पे मेरे पास में वेस्ट और हेलमेट दोनों में से कुछ नहीं है, तो फाइट लेना ईजी नहीं है, है ना। बिना वेस्ट हेलमेट के सामने दो स्क्वाड से फाइट लेना बहुत हार्ड है। फिलहाल यार एक बंदे को यहाँ पे और मैं नॉक कर देता हूँ, और एक बंदा बस देखना भाई इतना चालू है ना, मतलब साइड में बैठा हुआ है SKS लेके। और जैसे देखता हूँ भाई भाग के पहले कवर में आता हूँ, बंदा फायर भी वैसे करता है और उसको मैं एक दो प्लेट हिट भी करता हूँ, लेकिन भाई बंदा कवर में चल जाता है। तो यहाँ से पहले निकल लेते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, क्योंकि यार उनको पता है मैं एक ही लोकेशन पे अटका हुआ हूँ और चारों भाई रश कर सकते हैं मेरे ऊपर कभी भी। तो लोकेशन चेंज करते हैं, जैसे मैं लोकेशन चेंज करता हूँ मेरे सामने से एक बॉट निकलता है, मैं बॉट को यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। और इस बॉट को यहाँ पे मैं जैसे फिनिश करता हूँ भाई और बंदे की फुटस्टेप यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाती है, बस देखते जाओ। अब यहाँ पे मुझे एक और बंदा यहाँ पे दिखता है तो जो कि बॉट होता है, तो बॉट को फिनिश कर देते हैं। अब जाते हैं उन बंदों के पीछे जो यार सामने मेरे पे फायर करने वाले थे। अब यहाँ पे मैं जैसे सर्च करता हूँ यहाँ पे सामने दो बंदे दिखते हैं, तो बस देखो कैसे निपटाते हैं उनको। अब ये बंदा ऊपर से जंप करता है, भाई को दिखते ही खत्म कर देते हैं, और उसका टीममेट यहां से रश कर रहा होता है तो जाते हैं फिनिश करने के लिए। और गाइस कर देते इसको भी खत्म, और इन लोगों के पास से मुझे M4 मिल जाती है, 6x तो था ही, तो यार लूट के यहां से निकल लेते हैं। और जब यहां से मैं लूट कर निकल रहा होता हूँ भाई मुझे नहीं पता टावर के ऊपर एक स्क्वाड कहां से कैंप कर रही थी या फिर कहां से आई थी, लेकिन फिनिश करना बनता है उसको। अब एक बंदा दिखा था जो मेरे पे फायर कर रहा था, उसको यहाँ पे मैं नॉक कर देता हूँ, और तभी मेरे कान के पास से भाई एक बुलेट पार होती है कार 98 की। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे मैं मुंडी अंदर कर लेता हूँ, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाती। तो सबसे पहले आके चेक करते हैं यहाँ पे कितने बंदे हैं और उसके बाद जाकर रश करेंगे, क्योंकि भाई देखो वही बात है, अंधा रश करने से कोई मतलब नहीं बनता है। और वैसे भी भाई अगर देख के जाओगे तभी बंदों को आप जाके मार पाओगे, बिना देखे जाओगे भाई दिक्कत हो जाएगा। फिलहाल सामने एक बॉल मिलता है तो भाई बॉल को फिनिश कर देते हैं, और बंदे वहीं पे थे तो जाते हैं फिनिश करने उनको। आप देखो गाइस मेरे से बहुत बंदों ने क्वेश्चन किया कि भाई तू रेगुलर गेम प्ले क्यों नहीं डाल रहा है, और मतलब इतनी को मन नहीं करता यूट्यूब पे वीडियो डालने का। तो देखो बात ऐसी है, पबजी इंडिया में बैन है अभी, अगर गेम प्ले डालूँ पबजी का तो क्या पता मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ जाए और मेरा चैनल बंद हो जाए हमेशा के लिए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। देखो मेरे से बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उनका चैनल पे भाई स्ट्राइक मिल चुका है, ठीक है, ऐसा पबजी बैन जब से हुआ है लेकर, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता वो चीज़। और उन लोगों के पास लंबी बड़ी ऑडियंस है तो उनका चैनल जल्दी रिकवर हो जाएगा, और मेरे पास अभी 3000 सब्सक्राइबर है, तो भाई समझ सकते हो कि क्या कुछ मुझे झेलना पड़ सकता है। फिलहाल एक बंदा ऊपर से जंप करता है, उसको मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, और दो बंदे की फुटस्टेप ऊपर से आ रही होती है तो यार फिनिश करते हैं उनको भी। अब एक को यहाँ पे नॉक कर दिया था, दूसरा को डैमेज दिया था जो कि भाई वो कवर में जा चुका है, तो जाकर फिनिश करना बनता है उसको। और यहाँ पे ध्यान देखो मैं कैसे मतलब बंदे पे जाकर रश करूंगा। देखो अक्सर बंदे क्या करते हैं ना कि सीधा जाकर रश कर देते हैं, ऊपर ध्यान नहीं देते कि बंदे किधर से आएंगे रश करने के लिए। अब देखो क्रॉसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रॉसर उधर देखो जहां से बंदा आएगा। फिलहाल यार यहाँ पे ये दो ही बंदे होते हैं, और लास्ट का टीममेट पता नहीं कहीं पे जाकर लूट वूट कर रहा होगा, तो यहाँ पे नहीं मिलता तो यहाँ से लूट के निकल लेते हैं। और तभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ तो भाई यहाँ से फुटस्टेप आती है, गन फायर आता है यहाँ से, जो कि बिल्कुल भी ये बॉट नहीं था। अब देखो यहां से मैं जाने वाला था रोजॉक, क्योंकि रोजॉक में आपको अक्सर बंदे मिल जाते हैं, लेकिन उसके पहले सामने मुझे कुछ बंदे दिखते हैं जो कि यहां से भाग रहे होते हैं जोन के लिए, तो निपटाते हैं उनको।
अब यहाँ पे मैंने एक को यहाँ पे नॉक कर दिया था, दूसरे को डैमेज दिया था, और तीसरा बंदा डासिया लेकर वहां से रश करता होता है। अब भाई इस बंदे को मैं कैसे नॉक करता मुझे कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन भाई नॉक कर देता हूं, और लास्ट का एक टीममेट बचा होगा जो कि ऑब्वियस सी बात है वहीं पे होगा, तो जाता है फिनिश करने के लिए। अब ये बात यहां मुझे अच्छे से पता थी कि वो जो बंदा होगा वो डासे के पीछे कहीं पे छुप रहा होगा। लेकिन भाई साहब तो यहाँ पे सांप बने होते हैं, तो फिनिश कर देते हैं इसको और लूट के निकलते हैं। वैसे इनकी स्क्वाड को खत्म करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। यहां से लूट के भाई जाते हैं जो कि पहाड़ी के ऊपर, और वहां से फायर भी आ रहा था, तो जाके फिनिश करना उन लोग को बनता है। साथ से वहां पर दो टीम भी फाइट हो रही है, तो थर्ड पार्टी करने में थोड़ा मजा आएगा, लूट वूट भी मिल जाएगी, किल भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ ये जो गुलाबी ड्रॉप आया ना भाई, इसको भी लूटेंगे। और यहाँ पे नेट देखो मेरा, यहाँ पे मैं मतलब सच बताऊं तो पिंग इतना हाई हो गया था कि गाड़ी से मैं उतर नहीं पा रहा था अपने बग्गी से, और सामने ही बंदे लड़ाई कर रहे थे। अब यहां पे मुझे एक बंदा दिखता है, एक और बंदा दिखता है, अब भाई तीसरा बंदा कवर में जाहिदा होता है। ये तो कहो भाई एंड मौके पे फिनिश कर देता हूं उसको, और भाई देखते देखते इनकी पूरी स्क्वाड यहां फिनिश हो जाती है। तो गाइस इनकी स्क्वाड खत्म करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, और वहां से मैं निकल के आता हूं वो गुलाबी ड्रॉप के पीछे। लेकिन भाई बस देखते जाना यहां पे क्या हुआ है। यहाँ पे मुझे एक ऐसी स्क्वाड मिलती जो कि भाई बहुत बड़ी कैंपर होती है, बस देखते जाओ। एक बंदा यहाँ पे सांप बना पड़ा है, और दो बंदे पीछे पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, और इसका जो तीसरा बंदा है ना, मतलब लास्ट बंदा, बस देखते जाना कहाँ पे। भाई साहब घर के अंदर कैसे कैंप कर रहा था मुझे कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन नॉक कर देते हैं और जाते फिनिश करने उसको डायरेक्ट वहां पे, क्योंकि भाई एक कवर चाहिए था मुझे, और मेरा उससे अच्छा कवर क्या ही हो सकता है। अब वैसे भी जो बंदों को मैंने उधर छोड़ा है पहाड़ी के ऊपर, वो यार ओपन में, उनको जोन में आना है और उनको एक कवर चाहिए होगा, तो यार यहीं पे आएंगे, तो बस देखो कैसे निपटाते हैं। फिलहाल देखो यार एक बंदा वहां से नेट फेंक रहा होता है, उसको नॉक कर देते हैं और जाते हैं फिनिश करने का। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि भाई वो ओपन इलाका था, और वहां पे बंदे कैंप कर रहे थे बहुत गंदा, जो कि मतलब बिल्कुल नहीं दिख रहे, और सांप बंदे होंगे तो भाई डायरेक्ट फिनिश करेंगे। अब यहाँ पे जैसे एक मौली आता है ना भाई, यहाँ पे मैं डर जाता हूँ, और एक बंदा डस या लेकर रश कर देता है। जो कि मुझे पता था वो बंदा कहां पे होगा। अब ये बात मुझे अच्छे से पता थी वो बंदा ऊपर से नीचे जंप करेगा, जो कि वो कर भी देता है, तो देखो कैसे निपटाते हैं उसको। अब इस बंदे को मुझे फिनिश करने में भाई बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, तो आराम से इसको फिनिश कर देते हैं। और देखो सामने बंदों ने स्मोक भी कर रखा है, और यहां पर मैं रैंडम फायर करता हूं कि क्या पता एक दो बुलेट हिट कर जाए तो बंदा नॉक वॉक या फिर फिनिश हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो यार उस बंदे को निकालने का एक सीधा ट्रिक है, एक नेट वहां कुक करके फेंको, या बिना कुक करके फेंक सकते हो, क्योंकि देखो यार अगर कुक करके फेंकोगे तो बंदा वहां पे क्या पता किस्मत अच्छा रहे तो फिनिश हो जाए, अगर किस्मत खराब रहे तो भाई बंदा वहां से डर कर निकले और आप उसको फिनिश कर दो। और एग्जैक्ट वैसा ही होता है, बंदा वहां से डर कर निकलता है, उसके ऊपर मैं नॉक कर देता हूं, अब पूरा फिनिश कर देते हैं। अब देखो यार वहां पे जो पेड़ के पीछे बंदा छुपा होता है ना भाई, बंदा बिल्कुल नहीं निकलता। तो गाइस वही बात है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, मतलब लोकेशन वहां से मैं चेंज कर देता हूं, और यहां से लोकेशन से भाई मुझे परफेक्ट एंगल मिलता है, तो भाई नॉक कर देते उस बंदे को। और उसका लास्ट का टीममेट भी वहीं पे होता है जो कि सांप बन रहा होता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और भाई क्या बताऊं, मतलब ऐसे सब भी बंदे कैंप करते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। फिलहाल यहां से मैं निकल के चल जाता हूं भाई कार 98 लेने के लिए, क्योंकि देखो यार लास्ट वाला जो बंदा होता है ना, वो यार उनकी स्क्वाड में से जो लास्ट का टीममेट बचा होता है उसको फिनिश कर देता है। तो मतलब अब जो लास्ट का बंदा बचा उसके पास में स्नाइपर है, और मे भी स्नाइपर बैटल हो सकता है, तो मैं पहले स्नाइपर रख लेता हूं। और यहां पे देखो, मतलब मैं सच बताऊं यहां से हिल नहीं पा रहा था, मतलब इतना गंदा मतलब नेट यहां पे गया था। फिलहाल मैं जैसे तैसे करके रिकवर होता हूं, और भाई वो जो बंदा जोन में आ रहा था वहां पे स्मोक कर लिया था, तो बस देखो कैसे फिनिश करते हैं उसको, और ये लास्ट बंदा बचा हुआ है। अब सच बताओ तो मुझे लगा था ये बंदा जोन से डैमेज होगा, तो एक दो बुलेट मारूंगा कार 98 का, बंदा फिनिश हो जाएगा, लेकिन भाई लगता नहीं था कि बंदा कोई डैमेज पड़ा था जोन का, तो जाते फिनिश करने इसको M4 से। मतलब मैं 30 बुलेट मारता हूं उस बंदे को, और उसके बाद ये बंदा जाके
मरा है। तो गाइस देख सकते हो कितना गंदा नेट चल रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में बस यही था, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर न्यू मेरे भाई जाकर सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय। और गाइस आज का लाइक है मैं बस एक लाइक का, तो होप सो आप लोग कंप्लीट करवाई दोगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।